नमस्कार सभी दर्शकों, आपने जो अभी बहुत सुंदर नज़ारा देखा है, ये जो वातेयर है चेंगताजो से कुछ 2 किलोमीटर दूर है, और ये जो यम्फू बस्ती और चेंगताजो का बीच का रास्ता है, ये चढ़ाई का नाम वातेयर है, और वहाँ से जाके आपको यम्फू बस्ती मिलेगा, और यम्फू से जायंग बस्ती, जायंग बगंग, उसके बाद कसी बगंग जो कि मेरा विलेज है। अभी फ़िलहाल मेरा पास बैटरी थोड़ा कम है, इसलिए आपको हम यम्फू बस्ती से हमारा बस्ती तक का रास्ता कंडीशन कैसा है, रोड कंडीशन, और मेरा विलेज कैसा है आपको हम दिखाएंगे। Thank you.
जो चराई का नाम जो सरमेयर है, सरमेयर एक चराई का नाम है जो कि जायंग विलेज, जायंग बगंग और कसी बगंग हमारा विलेज का बीच में है। जब ये चराई कंप्लीट होने के बाद ये जो ऊपर में प्लेन है, यहाँ पे कभी कभी BSNL का नेटवर्क लगता है। हमारा विलेज में टोटली नेटवर्क नहीं है, तो ये यंगफो विलेज से होके BSNL का यहाँ पे थोड़ा कनेक्टिविटी होता है, कभी कभी मोबाइल में नेटवर्क आता है। तो हमारा माँ पिताजी वहाँ का जो अंकल आंटी चाचा चाची यहाँ पे कभी कभी अपना जो बेटा बेटी बाहर में है एमरजेंसी होने से उसको कॉल करने के लिए यहाँ पे आता है। आप देख सकते हैं हम लोग वहाँ से आया है अभी उस साइड में, यंगफो चैंग था जो उस साइड में है। इस साइड आप देखिए, इस साइड में ये पहाड़ है, पहाड़ ओके। वो जो ऊपर में अभी दिखाई नहीं दे रहा बादल है, वहाँ पे ये जो नदी है रियोपो नदी, अभी अभी हम जो पार किया था वहाँ पे बहुत बड़ा झरना है, वाटरफॉल बहुत सुंदर सा है, रियोपो सदंग है उसका नाम जो। और वहाँ पे अभी आपने जो कीचड़ देखा था नीचे में, एक्चुअली वो जो यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया गया वो कि बना रहा है, ये जो वाटरफॉल है यहाँ पे बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। और अभी यहाँ से आप देखिए यहाँ पे जो रोड है, यहाँ से होकर यहाँ से कुछ 2-3 किलोमीटर में हमारा जो विलेज है, लगभग 2 किलोमीटर के अंदर में हमारा विलेज पहुँच जाएगा। तो चलिए आपको फिर दिखाते हैं हमारा विलेज का रास्ता। ये है हमारा कसी विलेज, आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। आप नज़ारा देखिए, अब यहाँ पे देखिए उस साइड अभी हमारा विलेज हो गया है, सेटलमेंट बना के उस साइड ले गया। पहले यहाँ पे था, यहाँ पे सब साथ में रहता था ज़माना में, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, मेरा बड़ा भैया दीदी लोग का जन्म हुआ था तब इस साइड पर सब रहा था। तो चलिए आपको हम उस तरफ ले चलते हैं। Thank you.
ये हमारे विलेज का रास्ता ही तक है। और यहाँ देखिए ये जो ब्रिज है, लगभग मैं जब आया था तब बना रहा था, 2-3 साल पहले ये बन गया, मगर इसमें कंस्ट्रक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम, इनकम्प्लीट है। ब्रिज तो बना है मगर ब्रिज का उस साइड में वो बनाया नहीं है, गाड़ी जाने लायक तक नहीं बनाया है, इसलिए ये जो थोड़ा दुखी का बात है। हमारे जो विलेजर्स मम्मी पापा है, हमें बहुत सारा ओल्ड एज के यहाँ पे रहते हैं, यहाँ तक गाड़ी आते हैं मगर जो सामान वहाँ से लाते, जैसे चंग था जो सेपा से, उसको अपने घर तक गाड़ी से नहीं पहुँचा पाते हैं, यहाँ से अपना कंधे पे उतार कर ले जाते हैं। तो आपको थोड़ा दिखाते हैं यहाँ पे क्या इनकम्प्लीट है। ये पारे नदी है जो कि नीचे जाके कमिंग नदी को ये जो बड़ा बनाता है, कमिंग रिवर में जाके ये जो मिल जाता है। ये पारे नदी का ओरिजिन हमारा विलेज पे है, ये जो पहाड़ के ऊपर इसका ओरिजिन है। ये जो ब्रिज कंप्लीट है मगर इस साइड को बनाया नहीं किया है, इसका रीज़न क्या है और इसका कंस्ट्रक्शन किसने किया है, कौन सा कंपनी ने किया है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। बहुत अनफॉर्चुनेट है, मैं भी एक ये विलेज का हूँ मगर मैं बाहर में जाने का कारण इतना आइडिया नहीं है। और मेरा जो एल्डर्स है या जो विलेजर्स है सबको पता है इसका कारण क्या है, इसको आपको हम कभी दिन वीडियो बनाकर बताएंगे। मगर जो भी हो, ये रोड को कंस्ट्रक्ट किया है या जो ब्रिज को, हम जो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं पर्सनली, अपना यहाँ के जो ओल्ड एज हमारे यहाँ के अंकल आंटी है, चाचा चाची को देख के अब इसको समय पर कंप्लीट करना चाहिए था, ताकि अपना जो सामान है वो अपने घर तक गाड़ी से पहुँचा सके। तो चलिए आपको हम एक चक विलेज को थोड़ा दिखाते हैं। वो यहाँ से हम ब्रिज पार कर दिया, स्ट्रीट मोड़ के दिखाई ब्रिज इस साइड है, देखिए एंगिंग ब्रिज भी है नीचे में। और अभी हमको यहाँ पे छोटा सा चढ़ाई है, जो देखिए इसका ऊपर हमारा विलेज है। हम जो एक्चुअली चेंगता जो में गया था, बहुत खींचा रहा हमारा विलेज में गनबूट, ये जो देखिए ये जो मैं ये खरीदने गया था कीचड़ से बचने के लिए। ये रहा हमारा विलेज, और आप जो देखिए सामने से देखते आइए, आप जो ये बागान, ये जो गार्डन है, वेजिटेबल ये सब का गार्डन मेरा माँ जो बना दिया, हमने एक वीडियो देखा है मैंने जिसमें लिखा था माय विलेज नियर चाइना बॉर्डर, ये जो मेरा हमारा मेरा पापा का मामा मम्मी पापा का घर ये था जब वो वीडियो था। तो इसको 2-3 साल पहले मेरा दीदी बहन जो शादी हो चुका है, भैया सब मिलके, तो सब मदद करके पापा मामी के लिए एक नया घर जैसे तैसे बना दिया। तो अपर में है, अभी आपको दिखाते हैं। आप इस साइड देखिए, उस साइड में हमारे विलेज कसी बगन का सेटलमेंट जगह बनाया गया है, इसलिए ये जगह से सिर्फ होके बहुत लोग उस साइड चला गया, वहाँ पे सब एक साथ रहने के लिए ये विलेज का
ओवरऑल डेवलपमेंट लाने के लिए सेटलमेंट जगह बनाया गया है। यहाँ काफ़ी घर ताफिल है, अभी बस एक दो घर है। और ये जो मेरा पीछे ये जो घर है, ये जो मेरा मम्मी का दीदी का घर है। और अब जो वो पहाड़ जहाँ पे जो वाइट वाइट बादल है, वहाँ में जो गैप सा है, वो पहाड़ को चढ़कर उस साइड में सीधा कुरुंकू में है। आपको वहाँ में निशो बस्ती मिलेगा, चेलो बस्ती मिलेगा, उसको पार करके सीधा कोलोरिया। और इस साइड देखिए ये जो पहाड़ है, यहाँ चढ़ चढ़ के फिर उस साइड में न्योपिन विलेज है। यहाँ से केवल आधा दिन का पैदल है न्योपिन, और कोलोरियम एक दिन का है। फाइनली हमारा माँ पिताजी का घर वहाँ पे है, पहले का घर से बहुत अलग है। और इस साइड में देखिए ये जो नासुंग है, यहाँ पे हम जो अपना क्रॉप्स को रखते हैं खेती से लेकर, जैसे आपका राइस हो गया, मिलेट हो गया, मेज हो गया, सबको हम यहाँ पे रखते हैं। ये देखिए हमारा घर, माँ पिताजी खेती किया हुआ है, बहुत एज हो गया, बदन भी बहुत कमज़ोर है, पर भी कोई साथ में नहीं रहता है, बहुत दुखी का बात है। तो खेती करके ही खाते हैं, खेती में किया है। ये हमारा किचन से हमको प्रोटेक्ट देता है, ये जो स्पेशल है सबसे, ये लेना है आपको अगर यहाँ आना है तो। ये रूम देखिए, ये जो मेरा दीदी बहन जो शादी हो गया, उन लोगों ने मिलकर बना दिया है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे एक एक घर पे सोलर लाइट दिया हुआ है, मगर किसी का ख़राब है किसी का अच्छा है। हमारा यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट नहीं है सोलर लाइट से, तो हम उसके लिए भी चार्जर लेने गया था कुछ कुछ कनेक्शन के लिए। और आपको दूसरा सेट लेते हैं घर का, ले जाते हैं यहाँ पे रेस करते हैं। ये तुमको है, यहाँ में हम रेस करते हैं। और उस साइड आप देखिए, हम वहाँ से आए थे, वो वहाँ से चैन का जो का रास्ता है। बहुत गर्मी हो गया एक्चुअली, बहुत धूप है, और इसे बचने के लिए हमने ये जो निंजा स्टाइल बंधा हुआ था, ताकि धूप से थोड़ा प्रोटेक्शन मिले। और ये मैंने लगाया था गोप्रो को लगा के वीडियो बनाने के लिए। पहले सब पता लेते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं मुर्गी का घर। ठीक है, ये देखिए यहाँ में मुर्गी का घर है, यहाँ मुर्गी सोता है शाम को। और ये देखिए यहाँ में अंडा देने के लिए बनाया है, और यहाँ पे भी अंडा देने के लिए बनाया है। ऑलरेडी एक मुर्गी है, अंडा के ऊपर बैठ रहा है, इनक्यूबेशन हो रहा है ये अंडा का भी मुर्गी। और शायद भी है देखिए, ये भी बनाया गया है मुर्गी अंडा देने के लिए, वो सब बनाया है। यह देख सकते हैं, यह ऑलरेडी मम्मी जी बैठा हुआ है अंडा के ऊपर। और यहाँ पे हम जो मुर्गी को खाना देते हैं, अभी सोने का जगह। हमारा विलेज में बहुत कीचड़ है, बारिश है, यहाँ पे मिथुन, सबका मिथुन, उसका गाय जो है आना जाना करके नमक खाने आते हैं, तो पूरा कीचड़ बना देता है। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, उसके बाद आपको हमारे विलेज में जो भी होगा आपको हम दिखाएंगे,
नेक्स्ट वीडियो में आप हमारा साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।